गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज पॉलिटिकल साइंस लेसन 2 पार्ट 1 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इस लेसन में हम स्वास्थ्य के बारे में कि लोकतंत्र तांत्रिक सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित क्या कार्य करती है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य से कहते हैं जो किसी भी बीमारी या किसी भी रोग के कारण ग्रसित न हो या जो स्वस्थ हो, जिसे सांस लेने में चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या का उत्पन्न न होना स्वस्थ कहलाता है। यानी सरल शब्दों में अगर हम कहें तो बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। सरकार किसे कहते हैं? सरकार क्या होती है? ऐसी संस्था जिसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, इसे हम सरकार कहते हैं। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यानी लोगों को बीमारी और चोट से दूर रखने के लिए सरकार यानी लोगों के द्वारा जो चुनी गई संस्था होती है वो क्या कार्य करती है, किस तरीके से करती है, उसकी क्या भूमिका होती है हमारे समाज में, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है लोकतांत्रिक सरकार के कार्य। लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो हमारे लिए कार्य करता है उसे हम लोकतांत्रिक सरकार के कार्य कहते हैं। यानी लोगों के द्वारा एक ऐसी संस्था का चुनाव किया जाता है जो लोगों की बीमारी में चोटों को दूर रखने में विभिन्न सहायता प्रदान करता है। यानी सरल शब्दों में अगर हम कहें कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या कार्य होते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करना, गृह निर्माण, सड़कों के विकास और बिजली आदि की व्यवस्था करना लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य कार्य होते हैं। इसके बाद होता है स्वास्थ्य की परंपरागत अवधारणा। परंपरागत का मतलब यानी जो प्राचीन काल से चली आ रही है और लोगों के अनुसार भी आज भी वही धारणा है। स्वस्थ में परंपरागत अवधारणा यानी लोग स्वस्थ किसे कहेंगे? बीमारियों और चोटों से आदि से मुक्त रहने की प्रक्रिया को स्वास्थ्य की परंपरागत अवधारणा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा। स्वच्छ पेयजल, स्वस्थ व प्रदूषण मुक्त वातावरण, पौष्टिक आहार आदि का मिलना स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा कहलाती है। यानी परंपरागत में आपने देखा कि बीमारी और चोटों से दूर रहना ही स्वस्थ कहलाता है, लेकिन आधुनिक विचारधारा और आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो हम पानी पीते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, हम जिस वातावरण में रहते हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए, जो कपड़े पहनते हैं वो भी स्वच्छ होने चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए, खाने के लिए पौष्टिक आहार होना चाहिए, उसे ही हम स्वस्थ की आधुनिक अवधारणा कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारत में कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाएं। स्वास्थ्य संस्थाएं से हमारा तात्पर्य कि लोगों के जो स्वस्थ रहने की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करती है। मान लीजिए कि कोई बीमार हो गया तो उसकी मदद कौन करेगा? उनकी मदद चिकित्सक करेंगे यानी डॉक्टर्स करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक इत्यादि। यानी आपने देखा होगा स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी अस्पताल होते हैं उन्हें हम स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। अस्पताल होते हैं, परीक्षण प्रयोगशालाएं होती है जहां पर हमारा ब्लड, यूरिन इत्यादियों का टेस्ट किया जाता है जिससे प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाए। एम्बुलेंस यानी गवर्नमेंट ने गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। यानी लोगों के लिए एम्बुलेंस यानी 102 पे फोन करके आप एम्बुलेंस को अपने घर तक बुला सकते हैं। इसके बाद अगर एम्बुलेंस के आने की सुविधा है तो इसके बाद ब्लड बैंक, अगर किसी को खून की आवश्यकता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको खून की जरूरत है तो ब्लड बैंक से हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने 5-4